नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मधु अपने चैनल मधु झारखंड कुजीन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे झारखंड का स्पेशल डिश बेलवा रोटी और पीठा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का पाउडर, इसकी फिलिंग के लिए पीठे में भरने के लिए हमें चाहिए आलू, मटर। पीठा या बेलवा रोटी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल, चावल का आटा। हमारे यहाँ ये अरवा चावल है, इससे खीर बनता है, इसे सोना चूर वगैरह कह सकते हैं। और ये है उसना चावल, जैसे लक्ष्मी भोग, परमल वगैरह। तो इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में हमें ले करके साफ करके पिसाना है। यदि ये मिल में नहीं पिसा सकते हैं तो इसको धो करके मिक्सी में पीस करके हम पाउडर बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट इस चावल को पानी में भिगोएंगे, फिर उसका पानी साफ होने देंगे, छलनी में रख करके पानी निकलने देंगे और फिर उसको मिक्सी में पीस करके एक छलनी से चाल लेंगे और फिर उसको सुखाएंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग पीठा या फिर बेलवा रोटी के लिए करें। चावल के आटे को मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 कप पानी डालकर इसे उबलने तक गर्म करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब हम इसे उबलने तक गर्म करेंगे। पानी अब उबल रहा है तो अब हम लोग इसमें चावल के आटे को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें हम लोग। इसमें मैंने लगभग 3.5 कप चावल का आटा डाला है, 3.5 से 4 कप। इसे हम लोग इस तरह मिलाएंगे। ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, इतना ही मिलना काफ़ी है, फिर हम लोग इसे हाथ से गूंदेंगे। हमने जिस आटे को गर्म पानी में डालकर मिक्स किया था उसे एक गमले में डाल लेंगे। अब हमें इस आटे को गूंद करके मुलायम करना है। ये गर्म है, इसे ठंडे पानी से हाथ को भिगोएंगे हम लोग और गूंदेंगे। क्योंकि गर्म है इसको गूंदने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए बार बार ठंडे पानी में हाथ को डुबोएंगे और इसे मिक्स करेंगे। गूंद करके हमें इसे मुलायम करना है। देखिए मुलायम हो चुका है, इसे हम ढक करके रख देंगे। इसी गूंदे आटे से हम पीठा भी बना सकते हैं और बेलवा रोटी भी। पीठा बनाने के लिए मैंने आलू को मैश कर लिया है। 8 से 10 आलू मैंने बॉईल करके रखा था और इसको भूनने के लिए मैंने तेल कढ़ाई पे गर्म किया है। तेल में मैंने प्याज को डाल रखा है। प्याज भून चुका है, इसमें हम लोग डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च, इसे हम लोग अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे मटर।
ये हरे मटर हैं जिसे मैंने छील कर रखा है, इसे हम डाल देंगे एक कप के लगभग ये मटर। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, वन फोर्थ टी स्पून हल्दी और इसे भूनेंगे। दो से चार मिनट भूनने के बाद हम लोग इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। अंत में हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और एक मिनट के लिए इसे फिर से मिक्स करेंगे। पिट्ठे के अंदर भरने के लिए हमारी फिले तैयार हो चुकी है, इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लें। पीठा बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और पानी की सहायता से इसको फिलिंग भरने के लिए तैयार करेंगे। अब हम लोग इसमें फिलिंग करेंगे। इसको हाथ से दबाते हुए बंद कर देंगे। इसी तरह हमें सारे पीठे को तैयार करना है। हमने फिलिंग भर करके पीठा तैयार कर लिया है, अब हम इसे पकाएंगे। पीठा बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे और इसे खौलने तक गर्म करेंगे। पानी खौल रहा है, अब हम लोग इसमें रखेंगे जाली। और जाली के ऊपर हम लोग पीठा को रखेंगे। हम लोग इसे वापस इस गमले से ढक देंगे और इसे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। आप इसे इडली पॉट में भी बना सकते हैं। हमारा पीठा बनकर तैयार है, अब हम लोग इसको निकाल करके ठंडा करेंगे। ये अभी थोड़ी स्टिकी लग रही है, लेकिन ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल ऊपर से सूखी सी हो जाएगी। और हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको सरसों में फ्राई करके भी खा सकते हैं। कढ़ाई में हम एक चम्मच के लगभग तेल गर्म करेंगे, सरसों का तेल, और उसमें एक छोटे चम्मच राई डालेंगे। इसमें आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और ये जो पीठा ठंडा हो जाए तो उसको डाल करके इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पीठा को इसमें डालकर हम हल्का सा इसे भून लेंगे, धीरे से चलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। सरसों में भूनने की वजह से इसमें से सूंधी सी महक आने लगेगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा।
आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना भुने। इसे हमारा पीठा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इसे हम किसी भी तरी वाली सब्जी के साथ परोस सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसकी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, दाल वगैरह भी भरा जा सकता है इसमें। तो फ्रेंड्स इसे ट्राई करें, टेस्ट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।